इस ड्रेस में काफी काफी अलग लग रही हैं। मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं वो, पर अब यहाँ कुछ पहनने के लिए नहीं था ना, तो ये पहन लिया। वो तो चिन्ना का मान रखने के लिए मैंने पहन लिया। अरे ये ड्रेस तो मुझे चिन्ना और प्रीति ने दिए, मैंने लाई, पर मैंने पहन ली। मैंने सोचा नहीं था कि कभी पहनूंगी। वैसे ड्रेस आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। अमित, चाय। थैंक्स। आपकी चाय? नहीं अमित, मेरा मन नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही चाय बन सकती थी, है ना? हाँ, पर अब मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ, वैसे भी इस खुले आसमान में, ठंडी के मौसम में, भीगने के बाद इस आग के पास बैठकर चाय पीने का किसका मन करेगा? अमिता, एक काम कीजिए, दूसरा कप लेकर आइए, आधी आधी पीते हैं। वो अब दूसरे कप में मैंने मोमबत्ती लगा दी। तो इसी में पीते? एक ही कप में? हाँ। अब नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इधर से पीऊंगा, आप इधर से पीना। अमित, आप छोटी चाय पियेंगे? अमित, अगर हम बातें करते रहेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी।
मॉम, कभी कभी मुझे अमित पर बड़ा तरस आता है। ओ, आएगा ना बेबी, आखिर भाई है तुम्हारा। अब देखो ना, वो वहां पर लोनावला में अच्छी खासी छुट्टियां मना रहा, पर उसे क्या पता कि यहाँ उसकी बिजनेस से परमानेंट छुट्टी होने वाली। ऑन बेबी, ऐसे मत करो, भाई हो तुम उसके। You know, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसको फोन करो, उसे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मॉम, ना, राइट? रियली? ए, एक एक काम करते हैं। हम लोग टॉस करते हैं। अगर मॉम जीत गई, तो हम फोन नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिया जीत गई, तो हम फिर ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग। चलिए अमित, काफी रात हो गई है, कल सुबह जल्दी जाना है ना। बैठते ना थोड़ी देर, अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आग के पास बैठते हैं, अच्छा लग रहा है। पता है हमें बचपन में ना, मुझे ये बॉनफायर बहुत अच्छा लगता था, पर ऐसा कभी मौका आया ही नहीं कि मैं बॉनफायर के सामने बैठकर अपनी बातें शेयर कर सकूं। मैं, आरती, प्रीति, जिग्ना, हम सब बहुत मस्ती करते थे और वनडे पिकनिक के लिए भी जाते थे, पर हमारी पिकनिक ना अंधेरा होने से पहले खत्म हो जाती थी। हमने बहुत मस्तियाँ की, मैं ना उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी कि मैंने नए कपड़े लाए, मुझे आज फर्स्ट प्राइज मिला, हर एक चीज। इसे मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मेरा सपना है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे सफेद घोड़े पर बैठा कर ले जाएगा। और उसकी जगह अमित शाह मिल गया। हाथ में ऑफिस की फाइल, चश्मा पहने हुए, बुरा लग रहा होगा। नहीं अमित, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे? बल्कि आप ही तो मेरे राजकुमार हैं, मैं तो आपसे प्यार। मेरा मतलब है, मैं इस जगह से बहुत प्यार करती हूँ, मतलब ये जगह बहुत प्यारी है। मैं, चलिए सो जाती हूँ, गुड नाइट। कल एक दिन रुक जाए। पर अमित, आपका काम और आपको यूएस की तैयारियां भी करनी है ना। काम तो होते रहेगा।
अमित मुझे किस करने वाले थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बस ऐसे लग रहा होगा। अमित कहाँ हो तुम लोग यार, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। मैं वो नहीं, मेरा मतलब है कि वो नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए शायद फोन नहीं लग रहा था। क्या बात है रोहन, सब ठीक तो है? क्या? लेकिन रोहन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूं। अमित क्या हुआ? अमित शाह बात कर रहा हूँ, हम आज ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं, बिल तैयार रखिएगा। अमित मुंबई आज? अब मैं सही सुन, हम आज ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं, बिल तैयार रखिएगा। मुंबई आज? अपने सही सुन, ऐसा क्या हुआ है जो जो हमें इतने चुप, और हम इतनी सुबह वापस घर क्यों जा रहे हैं? क्या बात हो सकती है? ना मुझे पता है कि कुछ तो बात जरूर, बस आप इतना करना कि अमित को इन सब से लड़ने की हिम्मत देना प्लीज। अरे आपकी चाय ठंडी होगी, गर्म कर लेके आऊं मैं? रहने दो। देखिए मैं जानती हूँ आप अमित को लेकर आपको ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं। फाल्गुनी अमित ने काम ही कुछ ऐसा किया। अरे अमित, अरे अमित, अमिता तुम दोनों तो आज दोपहर में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मुझे पता चला, उसके बाद मैं वहाँ पर कैसे रुक सकता था? पापा मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ क्यों हुआ, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सारे क्लाइंट को वापस लेके आऊंगा। नहीं अमित, अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन पापा अमित, अब तुम्हारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो ये कि
आज से तुम अपने सारे काम रोहन को सौंप दोगे। ये सब क्या कह रहे हैं? इन पापा मुझे पता तो करने दीजिए कि हुआ क्या। अब क्या पता लगाना है जबकि हमारे सारे क्लाइंट्स वाइज इन्वेस्टमेंट्स के पास चले गए। अब वो क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, इस बात का पता रोहन लगाए। तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैं जानती हूँ इस वक्त आप गुस्से में हैं। आप थोड़ी देर बाद ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर कोई फैसला लीजिए ना। फाल्गुन, ये फैसला मैंने सोच समझ कर ही लिया। अमित, आज से बल्कि इसी वक्त से तुम शाह स्टॉक्स एंड ट्रेडर्स के साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहे। ना ही तुम कंपनी के नाम पर कोई बिजनेस कर सकते हो और ना ही कंपनी के किसी बिजनेस में शामिल हो सकते। आज से तुम्हारी जगह रोहन लेगा। आज स्टॉक्स एंड ट्रेडर्स का नया सीईओ है रोहन।